हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ की सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। लास्ट की दो वीडियो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करा दिया था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मेरा दिया हुआ कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। क्वेश्चन ये दे रखा है कि दो पोल्स हैं और दोनों का हाइट क्या दे रखा है, इक्वल हाइट के। इसका हाइट ले लेते हैं h और इसका हाइट h और इन दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है आपको 80 मीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस क्या दे रखा है, 80 मीटर। अब इसके कहीं भी बीच, कोई भी पॉइंट से बीच से देख रहे हैं या कहीं से भी इस लाइन से देख रहे हैं तो दोनों पोल के टॉप को देख रहे हैं। मतलब ये सेंटर नहीं दिया हुआ है, कोई एक पॉइंट है यहाँ से इसके टॉप को देख रहे हैं और इसके भी टॉप को देख रहे हैं और दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। एक का दिया हुआ है 60 डिग्री और दूसरे का दे रखा है 30 डिग्री। तो सपोज कर लेते हैं ये 60, ये 30 डिग्री है। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब हमें क्या निकालना है, इस पोल का हाइट निकालना है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, एक बार ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल ले लेंगे ए बी ई और ए बी ई में क्या लेंगे, टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 कितना होता है, रूट थ्री, और टेन 60 क्या होगा, पी बाई बी। इसको ले लेते हैं एक्स, ए से बी का डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, एक्स। और ये पूरा यहाँ से ए सी कितना है, 80 है। तो ये बी सी क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। तो tan 60 इज इक्वल टू पी बाई बी, तो एच अपॉन एक्स। और tan 60 क्या होता है, रूट थ्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। और h बराबर क्या हो जाएगा, रूट थ्री एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल लेते हैं इसको एफ सी बी। इसमें क्या लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन पी बाई बी होता है तो p और बेस क्या है, 80 माइनस एक्स। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई 80 माइनस एक्स। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट थ्री एच इज इक्वल टू क्या हो गया, 80 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे h का जो वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री, और h क्या है यहाँ पे, रूट थ्री एक्स है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है, थ्री। तो थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 80 माइनस एक्स। उसके बाद से क्या करेंगे, इधर माइनस एक्स को इधर ले आते हैं कितना हो जाएगा, 4x। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80, और x इज इक्वल टू क्या हो गया, 20, क्योंकि 80/4 तो 20 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, 20 मीटर। तो बोल सकते हैं ये 20 हो गया और एक डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस 20 क्या होगा, 60। तो दूसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60 मीटर। और इसमें क्या है कि हाइट, तो हाइट क्या है, रूट थ्री एक्स है, रूट थ्री। तो हाइट ऑफ पोल क्या हो जाएगा, h बराबर 20√3, क्योंकि x का वैल्यू क्या था, 20, तो 20√3, तो मेरा तीनों निकल गया। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि एक टावर है और इसके एक बैंक पे, कैनल के एक बैंक पे टावर है और इसके दूसरे बैंक पे, मतलब किनारे पे, यहाँ से कोई देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। और इसके जस्ट थोड़ा सा और आगे, मतलब 20 मीटर आगे बढ़ने पे देख रहे हैं तो फिर क्या बन रहा है एंगल, इसके टॉप को देख रहे हैं टावर को, तो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का। तो क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल।
तो ये निकालना है आपको, अगर इसको लेते हैं ए बी सी डी, तो ये सी बी निकालना है, मतलब ये टावर है और एक किनारे पे है कैनल के और ये दूसरा किनारा है मतलब कि, तो बी से सी का डिस्टेंस निकालना है और इसका हाइट निकालना है, टावर का हाइट निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, और ए बी सी में क्या होगा, टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी क्या होता है, पी बाई बी, तो एच अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री बराबर एच अपॉन एक्स, तो एच बराबर क्या हो गया, रूट थ्री एक्स। उसके बाद से क्या करेंगे, एक बार ये ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, इस ट्रायंगल में क्या होगा कि टेन थर्टी, टेन थर्टी डिग्री क्या होता है, पी बाई बी, तो एच अपॉन बेस क्या है ये पूरा एक्स प्लस ट्वेंटी, और टेन थर्टी क्या होता है, वन बाई रूट थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो रूट थ्री एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ट्वेंटी, और एच की जगह पे क्या रख देंगे, रूट थ्री एक्स, तो रूट थ्री और मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस ट्वेंटी, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स, थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ट्वेंटी, और टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आके माइनस, तो टेन हो गया। तो एक्स मतलब कि विड्थ ऑफ कैनल क्या निकल गया, टेन। अब ये टेन हो गया तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट का अभी निकालें, एच बराबर क्या है, रूट थ्री एक्स है, तो हाइट हो जाएगा टेन रूट थ्री। क्वेश्चन नंबर 12 जो दे रखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। मतलब क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यहाँ पे ले लेते हैं इस साइड अगर बिल्डिंग है, और इसका हाइट दे रखा है 7 मीटर, तो इससे क्या कर रहे हैं कि एक बार टॉप को देख रहे हैं किसके, बिल्डिंग से, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए केबल टावर, टावर के एक बार टॉप को देख रहे हैं, ये टावर है और इसके टॉप को देख रहे हैं, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और एक बार इस टावर के बेस को देख रहा है, नीचे देख रहा है यहां से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है, तो ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। तो टावर का हाइट कैसे निकाले, मतलब ये पूरा हाइट निकालना है, अगर इसको ए ले रहे हैं, ये बी सी, तो ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो यहाँ पे जो ई डी का लेंथ है, ई डी कितना है, 7 है, तो वो बी सी भी हो जाएगा क्या, 7, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन गया। अब क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं ये एक्स, डी सी को ले लेते हैं एक्स, और आपको बताए थे कि अगर 45 जब भी होगा तो ये 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 7, और ये 7 तो फिर ये भी 7, और ये जब 7 आ गया तो फिर इस ट्रायंगल को लेके ये भी निकल जाएगा, और इनको ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, टेन 45 कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, ई डी सी में, टेन 45 क्या होगा, पी बाई बी, तो पी कितना है, 7, और बेस क्या है यहाँ पे एक्स, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 बाई एक्स, और एक्स इधर मल्टीप्लाई में, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया, 7 मीटर। अब ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ, लेंथ लेंथ के इक्वल ब्रेथ, तो ये 7, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 7, मतलब ई भी निकल गया 7। अब देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में लेते हैं कौन सा, ए बी ई में, इसको ले लेते हैं एच, तो ए बी ई में टेन 60 क्या होगा, पी बाई बी, मतलब एच अपॉन बेस, बेस क्या है या ई बी, और ई बी का वैल्यू दिया हुआ है 7, अभी निकालें तो टेन 60 क्या होता है, रूट थ्री, तो एच अपॉन 7, तो एच बराबर क्या हो गया, 7 रूट 3, मतलब क्या, ये क्या हो गया, 7 रूट 3 मीटर। अब इसमें ये पूछा था हाइट ऑफ टावर क्या होगा, तो इनको पूरा दोनों को प्लस कर देंगे, तो हाइट ऑफ टावर निकल जाएगा ए बी प्लस बी सी,
तो 7√3 प्लस 7। अब इसमें से 7 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर। तो ये निकल गया हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30° एंड 45°। इफ द वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। मतलब क्या है कि एक लाइट हाउस है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हाइट दे रखा है क्या 75 मीटर, और इस लाइट हाउस से दो शिप को देख रहे हैं ऊपर से, इसके टॉप से एक शिप सपोज कर लेते हैं यहाँ पे है और दूसरा शिप और आगे है, तो लाइट हाउस से दो शिप को देख रहे हैं और दोनों का दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कि 30° एंड 45°। ये 30 और ये 45। अब इसको कैसे लेते हैं, जितना नज़दीक आएंगे तो एंगल बड़ा होते जाता है, तो जितना दूर वाला होगा वो कम एंगल होगा, ये 30°। अब इसमें ये बोल रहा है कि ये शिप सपोज कर ले ये शिप S1 है ये S2 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। या इसको ऐसे लिख लेते हैं कि AB CD, तो हमें क्या निकालना है AB डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको ले लेते हैं यहाँ पे Y मान लेते हैं और B से C का मान लेते हैं X ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि DCB इंट्रायंगल DCB टेन 45 क्या होता है PYB, तो लिखेंगे इंट्रायंगल DCB टेन 45 इज इक्वल टू क्या होगा 75 अपॉन P अपॉन B क्या है X, और टेन 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75। तो ये निकल गया 75 मीटर। अब क्या लेंगे, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे DCA या ACD, तो इस ट्रायंगल में भी क्या होगा 10 30°, तो 10 30 क्या होगा PB, तो P क्या क्या है 75 और बेस में क्या है यहां से यहां तक Y और यहां से यहां तक X, तो Y प्लस X है बेस में, और 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन Y प्लस X, और X के जगह पे क्या रख देंगे 75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, देखिए Y प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3, इधर जाके माइनस हो जाएगा 75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 1। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा।